Very good afternoon to all of you again with a new video of my bakery practical that is related to friend. Today I choose the menu from the syllabus called a bread called the French bread. A French bread, the word specified means it is a classical bread of French country. So it will definitely give the structure of different structure. The French bread basically is the loaf kind of bread, which is a loaf structure. So long French bread called a variety of different breads. So it will be definitely, today I am going to teach you about the what are the French bread and what are the main ingredients related to that. So kindly see these ingredients in front of you all. So this is the refined flour, 200 gram refined flour, and I put corn flour also. It will give the a crunchiness to this bread. The corn flour is for this, 50 gram corn flour. This is the yeast solution I made it, that is from natural yeast and milk, and here you can say salt and little amount of 10 gram to 10 to 12 gram sugar, just for color, right? So today we're going to teach you about the French bread. So French bread basically a loaf shell, as I told. So today, and now I tell you what is the process for that. First of all, take a refined flour in the center of your table. Then arrange it properly. Make a center gap. You can see this, a center gap into it. Add salt flour, sugar and salt into this. Mix it first properly. So that it will mix it properly. Then again combine it. Make a gap. Then add yeast solution into center. Then I again mix it properly. Remaining yeast also. Then we have to mix the yeast properly first. After yeast get properly, mix it. I take it first of all. This is lukewarm water. This is the water that is lukewarm. I already do that lukewarm. Little amount, not fully. Then give the dough consistent texture. You have to add the water till that time. It will form the dough. So our wait is over now. As you know that हम लोग डो बना रहे थे, मिक्सिंग कर रहे थे, तो ये फाइनल डो हमारे पास रेडी हो चुका है फर्मेंटेशन के लिए. अभी जाए डो जाएगा. ये डो के इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप. डो का इस तरह के डो आपके रहेंगे, और ये आपका पहले फर्मेंटेशन प्रोसेस में जाना चाहिए. फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद ही इसको हम 30 मिनट्स के लिए रखेंगे. इस डो को रेस्ट देंगे. जब ये डो पूरा राइज हो जाएगा उसके बाद हम इसको शेप देंगे फ्रेंच ब्रेड का. ठीक है, आप देख सकते हैं फ्रेंच ब्रेड का डो अब ये फर्मेंट ब्रूइंग के लिए जा रहा है.
ये यहाँ में आप देख सकते हैं, ये मैंने एक बर्तन लिया है जिसमें मैंने बटर की ग्रीसिंग करके रखी है डो के लिए ताकि प्रूव हो जाए। और ये डो हम लोग इस पर डालेंगे और थोड़ा सा प्रेस करके रेस्ट पीरियड के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका डो स्ट्रक्चर रेडी है। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो ये देख सकते हैं आप डो का जो राइज होके निकल आया डो, उसको मैंने अपने टेबल पर डाल दिया है। अब हम इसको नॉक बैक करेंगे और शेप देंगे फ्रेंच ब्रेड लोफ का। देखिए, आप देख सकते हैं डो अच्छे से राइज हो चुका है। अब इसमें जो एयर है वो हम इसको बाहर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, लाइक अर्लियर मेथड जनरली वो डिड दिस। इससे आपके एयर बबल्स बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो ये शेप दे दिया हमने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शेप हो चुकी है, फ्रेंच ब्रेड की शेप कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम वापस प्रूविंग के लिए रखेंगे, जब तक ये राइज होके नहीं आएगा, डबल होके नहीं आएगा, फिर हम इसकी फाइनल शेप देंगे। तो इसको हमें यहाँ पे ट्रे में रखता हूँ, देख सकते हैं आप ये फाइनल ट्रेविंग के लिए जा रहा है और ये शेप देने के लिए प्रूविंग। नाउ एज यू नो दैट हमने फ्रेंच ब्रेड का जो लोफ बनाया था पहले, वो बेकिंग के लिए डालता है आफ्टर प्रूविंग। तो ये आप देख सकते हैं फाइनल बेकिंग करके निकल आया है। इसमें आप पोपी से ऊपर देखा और आप इसके स्लाइड्स कट्स देख लीजिए, जो फ्रेंच ब्रेड के कट रहते हैं यहाँ पे, जो हमने ब्लेड से किए हैं कट्स, आप देख सकते हैं इट शुड बी लाइक दिस। तो ये लोफ का शेप है यहाँ पे फाइनल कटिंग। अब इसकी हम करेंगे प्लेटिंग के लिए। ठीक है, ये देख लीजिए। ये देख सकते हैं आप फाइनल फ्रेंच ब्रेड का कटिंग, और अंदर से इसका सॉफ्टनेस, बाहर से इसका क्रंचीनेस, जो कि थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और टेक्सचर से आया हुआ है, और कलर इसका परफेक्ट आपके लिए। फ्रेंच ब्रेड का आज का मेन्यू प्लेन बेस पे हमने बना दिया। थैंक यू।